फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे कि अपने गूगल के आइकन के शेप को कैसे बदल सकते हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपना आपको इस पर टाइप करना है, जी पर। इस पर टाइप करते हैं। टाइप करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस सामने आ जाएगा, और अब आपको ये दिख रही होगी नीचे की साइड में अपडेट, सर्च, रिसेंट, मोर। आपको सिंपली मोर पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कस्टमाइज विडजेट, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले वाले आइकन दिख रहा होगा जी का, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको ऐसा कुछ दिखेगा, इससे सिंपली आपको यहाँ पर टाइप करना है। अभी इस पर जी पर लगा हुआ है निशान, आप देख लीजिए, ऊपर स्क्रीन पर देखिए। और बाद में अब हम इस पर क्लिक करते हैं गूगल पर, तो टाइप करते हैं। आप देख लीजिए अब इसका आइकन कैसा हो गया है। तो चलिए हम अभी इसे क्लोज कर देते हैं। एक चेंजेस हो गया, और अब दूसरे चेंजेस की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आप इस पर देख लीजिए गूगल के सेप पर, अभी इसका कैसा निशान है। यह अभी गोलाई में है। अगर हम चार कोनों में लेना चाहें तो इस पर क्लिक करेंगे तो यह अब चार कोनों में हो गया है। अगर हम कोनों को मिटाना चाहें तो इस पर क्लिक करेंगे। अब दो चेंजेस हो गए हैं। अब हमने इसे सेलेक्ट किया है, तो अब तीसरे चेंजेस की ओर बढ़ते हैं। तो इस पर क्लिक करते हैं। अब आप यहाँ से इसका इंटरफेस बदल सकते हैं। अगर आप रंगीन में नहीं, कलरफुल में नहीं देख सकते, तो आप इसे सफ़ेद वाइट में कर सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आप ब्लैक में भी कर सकते हैं। अब हमारे चेंजेस हो गए चार। अब हम इसे क्लोज कर देते हैं। अब आपको यहाँ पर चौथे वाले पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक कर देते हैं। अब आप यहाँ पर इसे हल्का गाढ़ा कर सकते हैं या डार्क कर सकते हैं। तो अब क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद आपको यहाँ पर डन पर क्लिक कर देना है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, और हमारी न्यू वीडियो का मज़ा ले सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, न्यू वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।